तीन कृषि कानूनों पर हुई किसानों के संघर्ष की जीत के अवसर पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बीती शाम को किसानों के बीच पहुंचे। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने आगे बढ़कर दीपेंद्र हुड्डा को गले से लगाया। दीपेंद्र ने भी किसानों को गले लगाकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें बड़े बुजुर्गों की मेहनत और तपस्या की जीत बताया। साथ ही उन्होंने आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि अहंकारी सरकार को झुकाने का किसानों ने काम किया है। ये आज किसानों की जीत हुई है। हमारे देश के किसान ने आज़ादी के बाद इतना लंबा और इतना शांतिपूर्ण, इतना डिसिप्लिन के साथ ऐसा आंदोलन देश के इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ। ये उस संघर्ष की जीत है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की जीत है। ये लाखन माजरा गांव से बिल्कुल 86 साल के, एक साल से यहाँ है, मेरी 80 साल, ये 80 साल की उम्र है, ये टिकरी बॉर्डर से हम एक एक उदाहरण यहाँ पे ऐसा है। जिला फाजिल का जिला रोहतक, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आप नज़र घुमा के देखें, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की मेहनत की और बड़े बुजुर्गों की तपस्या की जीत है। ये जो 700 किसान जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान कुर्बान कर दी है, उनकी जीत है। हम उनको आज श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। और ये जो किसानों ने एक अपनी एकता दिखाई है, एक अपना डिसिप्लिन दिखाया है, इस शांतिपूर्ण आंदोलन से एक बहुत देश की बड़ी सरकार को, जो अहंकार में थी, बहुत बड़े घमंड में थी, उस सरकार को भी झुकाने का काम देश के किसान ने किया है। मैं देश के किसान को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ इस अवसर पर। धन्यवाद। क्या अभी कुछ जो किसान, ये किसान मोर्चा का जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका किसान जो जमींदारा है और जो खेती है और जो किसान है उसको किस तरीके से लाभकारी मूल्य मिले, ये सरकार का सबसे बड़ी बात सरकार पे ये है। और इसमें MSP सबसे बड़ा एक प्रश्न है, तो सारे प्रश्न है, सरकार को सारे प्रश्नों का समाधान करना चाहिए। वहीं दीपेंद्र ने कहा कि किसानों की शहादत पर सरकार ने संवेदना तक प्रकट नहीं की है, आज खुशी का भाव भी और आंखों में पानी भी है। साथ ही उनका कहना था कि MSP के प्रश्न पर भी समाधान सरकार को करना चाहिए ताकि देश का अन्नदाता आगे बढ़ सके। दीपेंद्र ने कहा कि वो किसानों के संघर्ष में साथ रहे और आगे भी किसानों की मांगों का समर्थन करते रहेंगे। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।